तो देखिए, इस वीडियो में आपको सोशल साइंस क्लास 10th का सिलेबस बताने वाला हूँ। सीबीएसई का यह सिलेबस है, 2024 से 25 सेशन वाले का यह सिलेबस है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पहले मैं आपको सिलेबस बताने से पहले मैं बता दूँ कि आपको कौन कौन से बुक लेने हैं। तो देखिए, क्लास 10th में जो सोशल साइंस के बुक चलते हैं वो आपके चार बुक चलते हैं। पहला बुक है कंटेम्प्रेरी इंडिया 2, यहाँ पर 2 लिखा रहेगा, 1 इसमें लिखा रहेगा तो वो 9th क्लास का है, 2 लिखा रहेगा तो ये आपका 10th क्लास का है। फिर आपका आता है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, ये यहाँ पर 2 करके लिखा रहेगा। और तीसरा जो बुक है आप यहाँ पर देख सकते हैं, तीसरा बुक यहाँ पर है अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये आपका तीसरा बुक है जो कि इकोनॉमिक्स का है। और फिर यहाँ पर आ जाएगा इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड 2, ये आपका चौथा बुक है। तो चलिए इन चारों बुक के सिलेबस को हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला बुक है इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड 2, इसमें आपको 5 चैप्टर पढ़ने हैं। पहला चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, दूसरा चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया, तीसरा चैप्टर है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, चौथा चैप्टर है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, पाँचवा चैप्टर है प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। ये आपके 5 चैप्टर इसमें पढ़ने थे। और फिर आपके आ जाता है कंटेम्प्रेरी इंडिया 2, तो इसमें आपको क्या पढ़ने हैं, इसमें आपको 7 चैप्टर पढ़ने हैं। पहला है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, दूसरा है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, तीसरा है वाटर रिसोर्सेज, चौथा है एग्रीकल्चर, पांचवा है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, छठा है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, सातवा है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। ये जो आपका है ये एनसीईआरटी में जो भी चैप्टर दिए हैं उनके अनुसार है। और फिर आपका अगला बुक कौन सा आता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं अगला बुक डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 2, इसमें क्या है पहला चैप्टर, इसमें आपको 5 चैप्टर पढ़ने हैं। ये आपका पावर शेयरिंग, दूसरा चैप्टर है फेडरलिज्म, तीसरा चैप्टर है जेंडर रिलीजन एंड कास्ट, और चौथा चैप्टर है पॉलिटिकल पार्टीज, और पांचवा चैप्टर है आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। तो आपको डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में आपको कितने 5 चैप्टर पढ़ने हैं। फिर आपका अगला जो बुक आता है वो है आपका अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसमें आपको 5 चैप्टर पढ़ने हैं। पहला है डेवलपमेंट, दूसरा है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तीसरा है मनी एंड क्रेडिट, चौथा है ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, और पाँचवा है कंज्यूमर राइट्स। तो आपको इतने सारे टोटल आपको क्लास 10th में सोशल साइंस में चैप्टर